पर जुड़ रहे हैं रिटायर मेजर मोहम्मद अली शाह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हैं जो कि लगातार हमें वहां के हालात बदलते हालात के बारे में अवगत करा रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं और कर्नल शिवदान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद अली शाह साहब, आपसे शुरुआत करता हूँ। जो शाम तक जिनको सब कुछ ठीक नजर आ रहा था, एक साथी बैठे थे ना पाकिस्तान से, बिल्कुल ठीक है अपने घर के फिक्र कीजिए, रात होते होते हो गया पाकिस्तान में वही तब्दील, मार्शल लॉ की हो गई है तैयारी, अब फिर से आएगा कोई डिक्टेटर। देखिए सचिन भाई, ये देखिए मेरे को वही ताज्जुब हुआ कि आप एक देश के एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हैं, दुनिया आपको देख रही है और आप उनके नुमाइंदा होते हुए आप कह रहे हो नहीं नहीं सब कुछ ठीक है वो देश में, वो उनके लिए बड़ी नॉर्मल बात होगी, उनके लिए बैठे दरअसल वो बड़ी बात है। हमें हैरानी होती है, या तो हम पागल है या तो वो पागल है, या तो वो सही है और हम गलत है। उनको तो बड़ी ठीक सब कुछ ठीक नजर आया, हमारी हम कह रहे अरे और आपने बिल्कुल सही कहा, आपने उनको बताया अनुमन तौर पे हम अपने मेहमानों की तौहीन ऐसे नहीं करते, उनकी बेइज्जती नहीं करते, उन्होंने बात ही ऐसे करी। पहली बात तो वो कहते सब ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं हाथ पैर कांप रहे थे, अरे पैर ये बताइए फ्रेम में पैर का नजर आया उनको। दूसरी बार वो इतनी बददिमागी वाली बात करते हैं और मैं बताऊं आपको यही वजह है, अरे और उन्होंने हमारा काम और आसान कर दिया, और यही वजह है कि पाकिस्तान के हालात, क्योंकि वहां की आम जनता ऐसा सोचती है इसी के उनके हालात आज ऐसे हैं। अब आप देखिए उनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थी, उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी उनको अपनी इकॉनमी से बाहर निकल कर लाए, उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि उनके लोगों की मदद करें, लेकिन ना ये लोग अपने या तो सोचते नहीं है या तो कोई कॉम्प्लेक्स है हमको लेकर, क्या है इनकी परेशानी, मुझे ये समझ नहीं आया, उनको सब कुछ ठीक नजर आया। अरे देखो अभी भी याद है आज से 2 साल पहले सिंध प्रोविंस में एक सर्विंग आईजी साहब को उठा लिया था इनकी मिलिट्री ने होटल के कमरे से, और मैं आपके चैनल पे दो पाकिस्तानी पत्रकार थे वरिष्ठ पत्रकार, वो कहते हैं हाँ तो होता रहता है, है? होता रहता है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए ना चीफ जस्टिस की वहां पर किस तरीके की वो कुवत होगी, चीफ जस्टिस जो है वो कहता रह गया कहां से घुसा है, कहां से घुसा है, उठा करके ले भी गई इमरान खान को।